दोस्तों, ये है जुमा मस्जिद। इस मस्जिद में मैंने नमाज़ पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, छुट्टी के बाद ये पहला जुमा है मेरा सऊदी अरब में। अभी मैं आया हूँ सुपरमार्केट में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबको जुमा मुबारक। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? पिछले सप्ताह मैं इंडिया में था, अपना मुल्क में, अपना बच्चे के साथ नमाज़ पढ़ने गया था जुमे का। तो अभी मैं हूँ सऊदी अरब में, अकेला जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। तो फैमिली से बिछड़ने का बहुत दुख है, क्योंकि पिछले सप्ताह बहुत खुशी खुशी में अपना बच्चे को लेकर नमाज़ पढ़ने जा रहा था मस्जिद में। तो अभी मैं अकेला जा रहा हूँ। तो यही है परदेश का ज़िंदगी। परदेश में जो लोग रहता है, ज़िंदगी कुछ इस तरीके का ही होता है, अकेला पूरा ज़िंदगी बिताना पड़ता है। तो परदेश में वही बंदा रह सकता है जो लोग दो काम कर सकता है, अपना आंसू जो लोग पी सकता है वही लोग परदेश में रह सकता है, और जो लोग अपना दिल में पत्थर रख सकता है वही लोग बाहर मुल्क में रह के कुछ ना कुछ पैसा कमा सकता है। तो मैं जुम्मा पढ़ के आके फिर आप लोगों को बताऊंगा। तो ये बात मैंने क्यों बताया, तो सबसे पहले मस्जिद में चलते हैं, जुम्मा पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोगों से मुलाकात करते हैं। दोस्तों, यह है गली का रास्ता और घर का सारे कलर एक ही जैसा है। दोस्तों, अभी सऊदी टाइम है 11:45 और मैं पैदल चल के जा रहा हूँ। बहुत ही गर्मी है, 40 डिग्री के ऊपर गर्मी है यहाँ पे। तो गर्मी आज लग रहा है, क्योंकि इंडिया में मैं था इतना गर्मी नहीं था, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। तो जुम्मा का नमाज जो है मैं पैदल चल के जाता हूँ, क्योंकि नज़दीकी है, जिसकी वजह से मैं पैदल चल के ही जुमे का नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। तो मस्जिद के नज़दीक आ गया हूँ। मस्जिद भी आप लोगों को दिखाते हैं कि जुमे का मस्जिद किस तरीके का है। इससे पहले भी मैंने मस्जिद आप लोगों को दिखाया था। दोस्तों, ये है जुमा मस्जिद और चारों साइड में आप लोग देख सकते हो कितना गाड़ी पार्किंग किया हुआ है। हम लोगों का मुल्क में जैसे हम लोग बाइक में जाते हैं, तो ये लोग जो है कार से आता है। मस्जिद के अंदर आ गया हूँ। बीच में देखिए शीशा लगा हुआ है। जुम्मे के दिन में दोनों साइड में नमाज पढ़ाता है और बाकी दिन में शीशा का इस साइड में नमाज पढ़ाता है। छुट्टी के बाद ये पहला जुमा है मेरा सऊदी अरब में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों कि मैं सऊदी अरब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देश में नमाज पढ़ा जुम्मे का। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ पे आके नमाज पढ़ा। तो आप लोग भी आके उमरा कीजिए, दीदार कीजिए अल्लाह का घर का। दुआ करते हैं जो लोग भी आना चाहते हो सऊदी अरब में, उन लोगों का नेक कामना जो है पूरा हो। आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे का दिन में जो दिल से मांगता है अल्लाह सुबहान व तआला से, सब कुछ पूरा होता है इंशाअल्लाह। आप लोग भी कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। दोस्तों, मैं नमाज़ पढ़ के आके सो गया था, तो अभी असर का टाइम है, अभी मेरा ड्यूटी लग गया, तो अभी मैं जाऊंगा मार्केट में। आप लोगों को मैंने बताया था नमाज़ पढ़ने से पहले कि दो चीज़ अगर आदमी सह सकता है तो ही वो बाहर मुल्क में रह सकता है। तो गाड़ी में बैठ जाता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि वो दो चीज़ क्या है। तो ये मैंने गाड़ी में बैठ गया। अगर आपका खुद का आंसू अगर पी सकते हो तो ही बाहर मुल्क में जाके काम कर सकते हो। ये बात मैंने क्यों बोला था, फैमिली को छोड़ के आपको बाहर में रहना पड़ेगा, फैमिली का प्यार कभी भी नहीं मिलेगा जितना साल आप बाहर में रहोगे। आपका तबीयत खराब होगा, वो खुद को ही आपको देखना पड़ेगा, कोई आपको देखने नहीं आएगा। तो उस टाइम आपका खुद का आंसू आपको पीना है, तभी आप लोग बाहर मुल्क में रह सकते हो। दूसरा बात मैंने ये बोला था कि दिल में अगर आप लोग पत्थर रख सकते हो तो ही आप बाहर मुल्क में रह सकते हो। मैं जितना साल सऊदी अरब में हूँ, मेरा अब्बा इंतकाल हो गया, मैं देख नहीं पाया, मेरा चाचा इंतकाल हो गया, जिनसे लास्ट मुलाकात भी नहीं कर पाया। तो इतना सब कुछ झेलने के बाद तभी कोई परदेश में पैसा कमा पाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत बंदा आना चाहता है बाहर मुल्क में काम करने के लिए, तो उन लोगों को मैसेज देने के लिए मैंने ये बात बताया कि इतना सब कुछ सहने के बाद तो ही पैसा कमाया जाता है। तो आप लोग अगर इतना कुछ सह सकते हो तो ही किसी बाहर मुल्क में जाके आप लोग पैसा कमा सकते हो। तो ज़्यादा वीडियो बढ़ाना करते हुए, तो अभी मैं मार्केट में जाऊंगा, मार्केट में क्या क्या खरीदेंगे सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो आप लोग से आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, अभी शाम होने वाला है और सूरज ढलने वाला है, तो गाड़ी का शीशा साफ नहीं कर पाया, गंदा है। जल्दी जल्दी मुझे मार्केट में जाने का चक्कर में साफ नहीं कर पाया। तो दोस्तों, मार्केट में आ गया हूँ। जुम्मे का दिन में मार्केट में ज़्यादा ऑफर लगा हुआ रहता है, तो यहाँ का मार्केट कुछ इस तरीके का है। सारे सामान ऐसे लगा हुआ रहता है, जो भी सामान आपको चाहिए आपको लेके ट्रॉली में रखना पड़ेगा। ये जो ट्रॉली है मेरा है, तो दोस्तों सारे सामान मैंने ले लिया। सामान लेके मैं आ गया हूँ गाड़ी के पास। ये सामने है मेरा गाड़ी।
दोस्तों मैंने मार्केट से चला आया, जो भी लेना था सारे सामान ले लिया। मार्केट का पूरा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि जिस मार्केट में मैं गया था उस मार्केट में वीडियो बनाना सख्त मना है। किसी किसी मार्केट में वीडियो बनाना बिल्कुल मना है, जिसके वजह से मार्केट का वीडियो पूरा नहीं मैं बना पाया। दोस्तों मैं सफर में गया था जिसके वजह से वीडियो सही से नहीं आ रहा था, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आगे से वीडियो जैसे सप्ताह में 3-4 वीडियो आता था वैसे ही वीडियो आता रहेगा। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही आप लोगों को और भी अच्छा अच्छा कंटेंट बना के दिखाएंगे। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे इन करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।